हेलो, हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये हमने लास्ट टॉपिक चल रहा है। उसी हमने कुछ सम्स भी देखे थे। ये वाला सम हमारा हो गया था। अभी हम ये सम्स देखेंगे। कॉस 47 डिग्री 45 मिनट, ठीक है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो 47 डिग्री कॉस है तो हमें नेचुरल कोसाइंस ओपन करना होगा। ये वाला क्या ढूंढना है हमें, 47 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। तो 47 डिग्री में हम देखेंगे, ये है 47 डिग्री। अभी इसमें 45 मिनट है क्या? नहीं है। 42 मिनट के बाद 6 मिनट का इंटरवल, मतलब गैप है, बाद में 48 मिनट है, बराबर। तो 42 हमें 45 मिनट चाहिए, तो 45 मिनट कैसे मिल गया? 42 मिनट प्लस ये मिन डिफरेंस का 3 मिनट, तो ये दोनों मिनट ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, तो वो हो जाएगा 45 मिनट। तो हमें पूरा 47 डिग्री और 45 मिनट का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हमें हमें 42 मिनट है तो 3 मिनट यहाँ से लेना है मिन डिफरेंस का। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, ये मिन डिफरेंस का जो वैल्यू आएगा, अभी देखिए क्या वैल्यू आता है। 47 मिनट, ये 47 है और ये 42 मिनट, कितना है वैल्यू? 6730। अभी 3 मिनट मिन डिफरेंस में से 3 मिनट लेना है, तो ये कितना है? 6 मिला ना 3 मिनट का। 42 मिनट प्लस 3 मिनट, ये हो जाता है 45 मिनट। तो ये 42 मिनट का क्या वैल्यू मिला? ये यहाँ से लिया तो, और यहाँ से मिला, ये क्या मिला वैल्यू? 6730। और मिन डिफरेंस का 6 मिला यहाँ पे। मिन डिफरेंस का 3 मिनट का जो हमने मिला, ये टेबल में से ये 6 मिला, ठीक है। ये यहाँ से लाइन और ये ऊपर का लाइन, तो 6 मिला। अभी कोसाइंस में है क्या है? नंबर्स इन डिफरेंस कॉलम, मतलब ये मिन डिफरेंस का कॉलम। डिफरेंस कॉलम मतलब कौन सा? मिन डिफरेंस। नंबर्स इन डिफरेंस कॉलम टू बी सब्ट्रैक्टेड नॉट एडेड, मतलब क्या? ये मिन डिफरेंस का जो वैल्यू मिला 6, उसे ये वैल्यू में से माइनस करना है। टू बी सब्ट्रैक्टेड मतलब माइनस करना है, ऐड नहीं करना है। तो ये जो 42 मिनट का जो वैल्यू मिला 6730, उसमें से ये 3 मिनट का मिन डिफरेंस का वैल्यू माइनस करना है। यहाँ पे भी दिया है और यहाँ पे भी है। देखो, फॉर कॉस थीटा सो वी शुड सब्ट्रैक्ट द मीन डिफरेंस, मतलब माइनस करना है। मीन डिफरेंस का जो वैल्यू मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलेगा, उसे माइनस करना है। अभी यहाँ पे क्या मिला? 6 मिला। ये ऐड है ऊपर, ऊपर मिनट ऐड है, 42 मिनट प्लस 3 मिनट मतलब 45 मिनट। लेकिन 42 मिनट में क्या मिला? 6730 वैल्यू मिला, बराबर ना। नेचुरल कोसाइंस में ये वैल्यू मिला। और मीन डिफरेंस का वैल्यू क्या मिला? 3 मिनट का। 3 मिनट का क्या मिला? 6 मिला। तो 6730 को 6 मिनट में से माइनस करना है, ये सॉरी 6 मिनट को 6730 में से माइनस करना है। तो कितना आएगा? 6730 माइनस 6 कितना आएगा वैल्यू? 6724, बराबर ना। 6730 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 6724, मतलब कितना हो जाएगा? 0.6724। तो ये हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखेंगे अभी यहाँ पे, देखो, फ्रॉम कॉस टेबल 47 डिग्री 42 मिनट कितना है? 0.6730 मिला। अभी 3 मिनट कहाँ से मिला? ये 3 मिनट का कितना मिला? 6। 42 मिनट प्लस 3 मिनट कितना हो गया? 45 मिनट, बराबर ना।
ये 42 मिनट प्लस 3 मिनट 45 मिनट, 42 मिनट का कितना मिला 6730, मतलब 0.6730, और 3 मिनट का मेन डिफरेंस का 3 मिनट उसका कितना मिला 6। मगर ये 6 मिला उसको क्या करना है, माइनस करना है कॉस्ट थीटा में, तो कितना आया ये हो गया, ये प्लस हो गया 47 डिग्री 42 मिनट प्लस 3 मिनट कितना हो गया 45 मिनट, और यहाँ पे ये इसे मीन डिफरेंस वैल्यू को माइनस करना है। नंबर्स इन मीन डिफरेंस कॉलम, ये नंबर 6 नंबर मिला, तो नंबर्स इन डिफरेंस कॉलम टू बी सब्ट्रैक्टेड, तो माइनस करना है, तो कितना आया 0.6724। ठीक है, तो कॉस 47 मिनट 47 डिग्री 45 मिनट का कितना वैल्यू आया 0.6724, ये फाइनल आंसर मिल गया। नेक्स्ट समय 10 62 डिग्री 35 मिनट, तो फ्रॉम 10 टेबल, अभी 10 टेबल देखिए, नेचुरल 10 टेबल, सिक्सटी टू डिग्री 35 मिनट नेचुरल टेंजेंस में देखिए, 62 डिग्री, ये 62 डिग्री 35 मिनट। अभी देखो यहाँ पे 30 मिनट है और डायरेक्ट 36 मिनट है, तो 35 मिनट कैसे करेंगे हम, तो 30 मिनट ये 62 डिग्री का ए लाइन में से ऊपर से 30 मिनट का लाइन लगे, 30 मिनट क्या है 9210, सॉरी 1.8, ये 9210 यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1.8 है, तो सब ये पूरा इसमें 1.8 आएगा, यहाँ पे 0.8 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 डिग्री का कितना पॉइंट है, देखो ये 0 डिग्री है, तो ये 1 पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो ये भी पूरा आगे भी पूरा 1 पॉइंट 1 पॉइंट, भले यहाँ पे कुछ दिया नहीं पॉइंट, तो ये स्टार्टिंग में जो 0 डिग्री में 1 पॉइंट है, तो ये पूरा 1 पॉइंट आएगा, अगर यहाँ पे 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट है, तो आगे में भी 0 पॉइंट आएगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग में यहाँ पे 1 पॉइंट है, इसलिए जो आगे के भी जो रह गए वो 1 पॉइंट ही रह गए, 1 पॉइंट, भले यहाँ पे 1 पॉइंट नहीं दिया है, अभी समझो ये 8887 है, तो मतलब क्या है 1.887, ये 8967 है, तो इसका क्या है, ये 1 पॉइंट ही है, 1.8967, मतलब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू दिया है, नंबर दिया है, मगर वो 1 पॉइंट ही है, क्योंकि ये 0 डिग्री का 1 पॉइंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कितना आया, ये 9210 है, 30 मिनट का ये 62 डिग्री ये लाइन, और ये 30 मिनट का लाइन, ये यहाँ पे जो वैल्यू मिला दोनों जहाँ पे मिलते हैं, तो 9210, मतलब कितना मिला 1.9210 बराबर। अभी बचा 5 डिग्री, हमें 35 मिनट चाहिए ना, तो 5 मिनट कहाँ से लेंगे हम, मीन डिफरेंस से 5 मिनट लेंगे, तो ये मीन डिफरेंस का 5 मिनट, 30 मिनट और 5 मिनट कितना हो जाएगा 35 मिनट, तो मीन डिफरेंस का यही लाइन में आगे जाएंगे 5 मिनट, कितना नंबर है ये 68 है, तो साइन थीटा और टेन थीटा में मीन डिफरेंस ऐड करना है, बराबर ना, कॉस थीटा में मीन डिफरेंस माइनस करना है, मीन डिफरेंस का नंबर माइनस करना है, और साइन थीटा और टेन थीटा में मीन डिफरेंस का नंबर ऐड करना है, तो क्या आया 5 मिनट का 68 नंबर आया। देखो ये 5 मिनट 30 मिनट और ये 5 मिनट क्या हो गया 35 मिनट, तो ये 68 नंबर आया 5 मिनट का, तो उसे ऐड करना है, ऐड यहाँ पे हमने माइनस किया था, लेकिन साइन थीटा पर भी प्लस करना है,
और 10 रुपये में भी प्लस करना है तो कितना आया 1.9210। ये 8 6 और 1 7 2 का 2 9 1.9278। तो 10 62 35 मिनट कितना आया 1.9278। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट समय हमारा कॉस 38.28 डिग्री टू कन्वर्ट डेसिमल डिग्री इनटू मिनट टू कन्वर्ट डेसिमल डिग्री इनटू मिनट। ठीक है, अभी देखो टू कन्वर्ट डेसिमल डिग्री इनटू मिनट। अभी कॉस 38.28 डिग्री है, इसको कन्वर्ट डेसिमल डिग्री इनटू मिनट। ठीक है, तो 38.28 डिग्री मतलब क्या है, 30 ये पूरा एक है तो इसको हम अलग करेंगे। कैसा अलग करेंगे, 38.28 डिग्री मतलब 38.00 डिग्री प्लस 0.28 डिग्री। ठीक है, कैसा लग रहा है, 38.00 डिग्री प्लस 0.28 डिग्री, इसका प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 38.28 डिग्री। टू कन्वर्ट डेसिमल डिग्री इनटू मिनट बराबर टू कन्वर्ट डेसिमल डिग्री इनटू मिनट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट बराबर 1 डिग्री के मतलब कितना 60 मिनट ये स्टैंडर्ड है। देयरफॉर 0.28 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा 1 डिग्री मतलब 60 मिनट है तो कितना हो जाएगा 0.28 डिग्री मतलब कितना ये 60 मिनट प्लस इनटू 0.28 ये 60 मिनट है 0.28 डिग्री मतलब कितना 60 मिनट इनटू 0.28 तो कितना आएगा ये इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 17 मिनट। ये मिनट सिंबल यहाँ पे ऐसा आपको समझने के लिए लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए सिर्फ 60 इंटू 0.28 ये क्या है 60 मिनट है 1 डिग्री मतलब 60 मिनट इसलिए 0.28 डिग्री को अलग कैसे मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मिनट को ये जो वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट को जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट इंटू 0.28 तो कितना हो जाएगा वो ये डिग्री का मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमें क्या पूछा है टू कन्वर्ट डेसिमल डिग्री इंटू मिनट तो ये डिग्री का हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो अभी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अभी ये क्या आएगा 38 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करने कहाँ से फाइंड करना है फ्रॉम टेबल। ठीक है, तो एक मिनट में कन्वर्ट हो गया, पहले डिग्री में था तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 38 डिग्री 17 मिनट ये कौन सा वैल्यू है कॉस ये कॉस है ना कॉस 38 डिग्री 17 मिनट। तो हम लोग ये अपना टेबल देखेंगे कोसेंस 38 डिग्री अभी 38 डिग्री देखेंगे नेचुरल कोसेंस में 38 डिग्री
थर्टी डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री और कितना मिनट है, 17 मिनट। अभी 17 मिनट तो नहीं है, 12 मिनट है। 12 मिनट के बाद सीधा 18 मिनट, तो 12 मिनट का लाइन यहाँ कहाँ पे मिलता है 30 डिग्री में, देखेंगे क्या यार, 7859 यहाँ पे पॉइंट है, मतलब 0.7859, ठीक है। तो 0.7859 12 मिनट का आ गया। अभी बचा है 5 मिनट, हमें 17 मिनट चाहिए ना, तो 12 मिनट प्लस 5 मिनट तो 17 मिनट हो जाएगा। तो 5 मिनट कहाँ से लेके बचा हुआ, मेन डिफरेंस से लेके 5 मिनट। तो 5 मिनट का लाइन और ये 38 डिग्री का लाइन 9। अभी जीरो, अभी ये 12 मिनट का क्या वैल्यू मिला, 0.7859 और ये 9 मिला। तो कोसाइन में हमें क्या करना है, मीन डिफरेंस माइनस करना है, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो थर्टी एट डिग्री 12 मिनट का क्या मिला, 7859 और 5 मिनट मीन डिफरेंस का 5 मिनट उसका क्या मिला, 9 मिला। तो ये मीन डिफरेंस को माइनस करना है, ये 38 डिग्री 12 मिनट और 5 मिनट कितना हो गया, 38 डिग्री 17 मिनट। अभी 0.7859 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.7850। तो कॉस 38.28 डिग्री क्या मिला, 0.7850। ये हो गया डिग्री का मिनट में कन्वर्शन हो गया। अभी वैसे ही नेक्स्ट सम है, टू कन्वर्ट डेसिमल डिग्री इनटू मिनट, 1075.75 डिग्री। तो वो 75.75 मतलब टू कन्वर्ट डेसिमल डिग्री इनटू मिनट, 1 डिग्री मिनट मतलब 60 मिनट, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट को 0.75 डिग्री से, ये 0.75 डिग्री है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 0.75 डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 60 मिनट इंटू 0.75 जो वैल्यू है, ये 60 मिनट क्यों लिया, क्योंकि 1 डिग्री ये वाला डिग्री है, ये डिग्री जो है ये 60 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मिनट है, ये 60 जो वैल्यू है वो क्या है, एक्चुअली मिनट है। हम लोग यहाँ पर ऐसा लिखेगा नहीं मिनट, लेकिन वो मिनट में कन्वर्ट करना है, इसलिए 1 डिग्री मतलब 60 मिनट। तो ये डिग्री का हमने मिनट ले लिया यहाँ पे 60 मिनट, क्योंकि हमें डिग्री टू मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 60 मिनट इंटू को कितना है, यहाँ पे 0.75 है, 60 इंटू 0.75 तो ये मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 45 मिनट, ठीक है। फ्रॉम 10 टेबल 75 डिग्री, ये 75 डिग्री है और ये 0.75 डिग्री का हमने क्या किया, सिर्फ 0.75 डिग्री को हमने, ये 75 डिग्री जो है वो वैसे ही है, लेकिन उसके पीछे जो 0.75 डिग्री है, जैसा देखो 75.75 डिग्री है, ये पूरा है, पूरा डिग्री है, इसको हम अलग करेंगे कैसे आएगा, 75.00 प्लस 0.75, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, ये 5 का 5 7, ये 5, ये कितना हो गया, ये दोनों मिला के ये बना है। तो इसको हमने सिर्फ अलग किया, ये 0.75 डिग्री को हमने अलग किया, ठीक है। तो 0.75 डिग्री का ही हमें मिनट में कन्वर्ट किया है, तो कितना है 45 मिनट। तो फ्रॉम 10 टेबल 75 डिग्री 45 मिनट,
तो 45 मिनट डायरेक्ट है नहीं 10 टेबल में। अभी 75 डिग्री 45 मिनट चाहिए हमें, ठीक है। तो 75 डिग्री देखेंगे, ये नेचुरल टेंजेंट्स हैं। 75 डिग्री, ये 75 डिग्री मिल गया और 45 मिनट चाहिए। तो ये 42 मिनट है, उसके बाद सीधा 48। तो 42 मिनट में देखेंगे कॉलम में से, ये 42 मिनट का कॉलम को लाइन आया और ये 75 9232। अभी 9232 है, ये 42 मिनट का आया, ये 42 मिनट का आया 9232। अभी देखो 75 पे, यहाँ पे 3 पॉइंट, यहाँ पे देखो 3.7321 है, तो ये भी क्या आएगा 3.9232, ठीक है। क्योंकि आगे 0 डिग्री में कितना दिया है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री का कितना है 3 पॉइंट है ना, तो ये 9232 है, मतलब कितना है 3.9232 ये वैल्यू है। यहाँ पे 3 पॉइंट नहीं दिया है, लेकिन ये यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 पॉइंट है, तो ये सभी 3 पॉइंट रहेंगे, पीछे भी सब 3 पॉइंट ही रहेंगे, भले यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे 40 डिजिट दिया है, नहीं दिया मतलब क्या, अगर स्टार्टिंग में यहाँ पे 3 पॉइंट है तो ये भी सब 3 पॉइंट ही रहेंगे, 3.7583, 3.7848, 3.8118, वैसे ही है। 42 डिग्री में हमें क्या मिला 9232, तो एक्चुअल क्या है वो 3.9232। अभी बचा 3 डिग्री, 45 मिनट चाहिए ना हमें, तो 3 मिनट मीन डिफरेंस में देखेंगे, मीन डिफरेंस का 3 मिनट, तो क्या है ये 139। तो यहाँ टेंजेंट है तो ऐड करना है, देखो 75 डिग्री 42 मिनट क्या मिला 3.9232 और 3 मिनट का क्या मिला ये 139। तो यहाँ पे ऐड करना है टेंजेंट में, तो क्या मिला हमें फाइनल आंसर 3.9371। तो 10 75.75 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, किया तो कितना आया 3.9371, ये हमारा फाइनल आंसर मिला। अभी क्या है नेक्स्ट सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज। तो पहला सम देखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 0.3746। अभी ये साइन थीटा 0.3746 दिया है, ये साइन थीटा का वैल्यू दिया है, मगर हमें थीटा क्या है, वो डिग्री क्या है वो ढूंढना है। तो उसके लिए फ्रॉम साइन टेबल देखेंगे 0.3746, ठीक है। तो साइन में देखेंगे ये टेंजेंट है, हाँ नेचुरल साइंस 0.3746। देखो ये पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट मतलब ये सब 0 पॉइंट हो गए। अभी 3746 मतलब कितना आएगा, देखो ये वैल्यू 3746 का वैल्यू है, जो वैल्यू है नंबर है वो कौन सी इसमें डिग्री में, है 22 डिग्री में, और उसका मिनट कितना है 0 मिनट। ये 3746 है, हमें यही चाहिए ना, तो कौन सा डिग्री में, नेचुरल साइंस में देखिएगा, नेचुरल साइंस, साइंस 3746 जो वैल्यू है हमें यही चाहिए, वो 22 डिग्री में है, और ऊपर जो अभी 22 डिग्री मिल गया, तो इसका आगे कुछ मिनट है क्या, देखेंगे कौन से मिनट में, 0 मिनट में, ठीक है यहाँ पे 0 मिनट है। तो वो साइन थीटा का वैल्यू जो है, थीटा का वैल्यू क्या है 22 डिग्री,
बराबर, तो 22 डिग्री है क्योंकि वो जीरो आगे मिनट कुछ है क्या, सिर्फ जीरो मिनट है, मतलब वो 22 डिग्री है। वैसे अभी कॉस थीटा, अभी कॉस थीटा क्या है 0.8192, तो कॉस नेचुरल कोसाइंस में जाएंगे, नेचुरल कोसाइंस में 0.8192। अब देखिए 8192 जीरो पॉइंट कम 0.8189 है, ये 9 है, 8181 कहाँ पे है, हाँ 88, ये 8182 8192 8192। हाँ देखो ये मिल गया 0.8192। अभी कौन से डिग्री में है, 35 डिग्री में है बराबर। अभी मिनट देखिए ऊपर, ये डिग्री तो हमें मिल गया 35 डिग्री, अभी इसका मिनट क्या है, जीरो मिनट, 35 डिग्री जीरो मिनट, मतलब कितना हो गया वो 35 डिग्री। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया 35 डिग्री, तो कॉस 35 डिग्री इज इक्वल टू 0.8192। ठीक है, ये जो भी हमने सॉल्व किए वो आपके वर्कशॉप के रजिस्टर में लिख लेना है आपको, सभी हमने जो देखे वो सभी वर्कशॉप के रजिस्टर में लिखना है। अभी देखिए साइन थीटा 0.3446 हाँ, अभी 0.4446 साइंस में जाएंगे। अभी 0.4446 का वैल्यू कहाँ पे देखेंगे, 0.4444 हाँ ये 4 का आया। देखो अभी यहाँ पे एक है, अभी 0.4446 है बराबर, ये 4446 वैल्यू मिला ना, देखो 4446 का वैल्यू मिला, 4446 है ये पॉइंट, मतलब 0.4446 वो कौन से डिग्री में है, 26 डिग्री में बराबर, ये 26 डिग्री में है, 26 डिग्री, मगर ऊपर का मिनट क्या है देखेंगे, कितना मिनट है, ये कौन से मिनट में मिला, ये जो वैल्यू मिला 0.4446 ये 26 डिग्री में मिला, मगर मिनट क्या है उसका, मिनट 24 मिनट, तो क्या हो जाएगा थीटा का वैल्यू क्या होगा, 26 मिनट 24 मिनट, 26 डिग्री 24 मिनट। देखो क्या हो गया वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू क्या आया, 26 डिग्री साइन 26 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, वही सही से आप ये सब आप देखने का है। अभी ये देख सम्स देखेंगे, ये भी साइन टेबल में से आप ढूंढ सकते हैं, साइन थीटा 0.7911, तो फ्रॉम साइन टेबल 7911 का वैल्यू कहाँ है, सेवन नाइन वन वन है क्या, देखो यहाँ पे सीधा 7902 है और 7912 है, तो हमें 7911 चाहिए, तो 7902 साइन थीटा है, मतलब मीन डिफरेंस को ऐड करना है, तो पहले हम 7902 लेंगे और मीन डिफरेंस का कितना चाहिए हमें, 11 चाहिए, तो 11 के लिए हमें 9 का जरूरत है, 9 नंबर की जरूरत है बराबर, तो ये कौन सा डिग्री में आया, 52 डिग्री में आया, 12 मिनट में 7902 मिला, मगर हमें 7902 नहीं, हमें 7911 चाहिए, तो यहाँ पे 9 की कमी है, तो 9
जो है 9 जो हमें ऐड करना है वो हम कहाँ से लेंगे, मीन डिफरेंस से। तो वही 52 डिग्री जो है यही लाइन में लेंगे आगे, ये 9 मिल गया, ये 7902 और ये 9, तो कितना हो गया 7911। तो ये कितना मिनट में आया, 5 मिनट में। ये 12 मिनट और ये 5 मिनट कितना हो गया 17 मिनट, और डिग्री कितना है 52 मिनट। तो वैल्यू क्या गया थीटा का, 52 डिग्री 17 मिनट। ये 17 मिनट कहाँ से आया, ये 7902 12 मिनट में मिला, और बचा हमने 9 ऐड कहाँ से किया, मिन डिफरेंस का, ये 5 मिनट से मिला, 12 मिनट प्लस 5 मिनट 17 मिनट, और ये 52 डिग्री। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या होगा 52 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। ये साइन थीटा में हम मेन डिफरेंस ऐड करते हैं, और कॉस थीटा में वैसे ही कॉस थीटा है, कॉस थीटा में मेन डिफरेंस माइनस करते हैं, और टेन थीटा में वापस प्लस करते हैं। तो ये आप सब जो सम से आप देख लो, आपके समझ में आ जाएगा। आपको ऐसा ये लॉग बुक लेना जरूरी है, लॉग बुक ले लो आप बुक स्टोर में से, और ये